नमस्कार, मैं हूं जटाशंकर सिंह। आइए देखते हैं मेट्रो इंडिया न्यूज, हर खबर पर खास नजर। पालघर जिला के नायगांव इलाके में राजभर समाज के भवन निर्माण कार्य हेतु कमेटी के सदस्यों की एक बैठक रविवार को आयोजित की गई थी। इस मौके पर रामदुलारे राजभर के हाथों समाज के भवन को 5000 स्क्वायर फुट में बनाने हेतु नारियल तोड़कर यह देखिए घोषणा की गई। राजभर भवन का निर्माण कार्य राजभर हेल्पलाइन की देखरेख में जीतू भरद्वाज के मार्गदर्शन में किया जाएगा। इस अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतू भरद्वाज, राष्ट्रीय सलाहकार प्रीतम देव राजभर, राष्ट्रीय महासचिव संजय राजभर, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बबलू राजभर, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रीतम भरद्वाज, महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष राम राजभर, प्रदेश सलाहकार लालजी राजभर, प्रदेश प्रमुख महासचिव राम दुलारे राजभर, हीरा राजभर, दया राजभर, विदेशी लाल राजभर, ओम प्रकाश राजभर सहित भारी संख्या में राजभर समाज के लोग उपस्थित होकर राजभर भवन के लिए हर संभव मदद करने का वचन दिया है। इस मौके पर मेट्रो इंडिया न्यूज के साथ बातचीत में राजभर हेल्पलाइन से जुड़े लोगों ने और क्या कुछ कहा, पेश है मेट्रो इंडिया न्यूज की एक विशेष रिपोर्ट। मेरा नाम जीतू रामदरस भारद्वाज है। 5 गुंठा जगह में लिया गया है और 5000 स्क्वायर फीट है और ये 2 साल के अंदर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। कोई संस्था के थ्रू आप लोग बना रहे हैं, कंट्रीब्यूट करके समाज के? ये पूरी समाज की सहभागिता से बनेगा जी। क्या संदेश देना चाहेंगे राजभर समाज? संदेश यही कि आप जहाँ भी रहें अपने आप को प्रेजेंट करते रहें, समाज को आगे लाने के लिए सबको बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना पड़ेगा। कोई एक संगठन या किसी एक पार्टी से कुछ भी नहीं हो सकता है, सबको मिलजुल कर समाज की जहां बात आए एक होना चाहिए और एक होके कुछ इतिहास लिखना चाहिए। इतिहास तो पढ़ सकते हैं लेकिन लिखेगा कौन? सब लोग मिलके एक इतिहास लिख सकते हैं और एक प्रयास है समाज को एक मंच पे लाने का और एक साथ जमा होने के लिए एक स्थान होना चाहिए, जिसके लिए राजभर भवन निर्माण किया जा रहा है और यहाँ पूरा समाज साथ है और रहेगा। जीतू जी, पिछले काफ़ी समय से समाज एकजुट नहीं होने के कारण कई समाजों का जो भवन का मांग है, मीरा भाईंदर में हो, वसई विरार में हो, वो अटका पड़ा है, इस बारे में क्या? देखिए, जो अटका पड़ा है कहीं ना कहीं राजनीतिक प्रेरणा से वो रुका हुआ है और यहाँ पे जो काम होने जा रहा है इसमें राजनीति कोई विचारधारा नहीं है। सारे लोग कहीं ना कहीं किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं, यहाँ पे राजभर हैं और सभी राजभर ही हैं और कायम रहेंगे उसी पे कि हमें एक समाज के लिए अच्छा काम करना है और उसके लिए कोई पार्टी या कोई संस्था को प्रमोट नहीं करना है, सिर्फ राजभर समाज को प्रमोट करना है और राजभर समाज का विकास के लिए काम करना है। संजय जी, क्या कहेंगे, आज यहाँ पे राजभर भवन की नींव रखी गई है, जल्द यहाँ पे भवन बनाने की तैयारी चल रही है? यह पूरे समाज में बहुत दिनों से सोच था कि यहाँ पे एक राजभर भवन बने लेकिन किन्हीं कारणों के बस यह संभव नहीं हो सका। लेकिन हम तो ये इस जो ज़मीन के मालिक हैं हमारे दुलारे राजभर जी, मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने 2 गुंठा ज़मीन हम लोगों को दान दिए और दान देने के बाद बोले कि भैया इस पर आप लोग कुछ कीजिए। तो मैं था, जीतू भाई, बबलू भाई, प्रीतम जी, ओम प्रकाश, बहुत सारे हमारे सारे लोग यहाँ पर थे। सभी लोग हम लोग तय किए कि यहाँ पे अगर आप 2 गुंठा हम लोग को दान दे रहे हैं तो हम लोग 3 गुंठा और देते हैं और हमारा समाज बहुत बड़ा है, अगर थोड़ा थोड़ा भी अगर मदद करें तो ये राजभर भवन, जो हम लोग का राजभवनों का एक सपना था कि महाराष्ट्र के धरती पर एक राजभवन बने और यह जरूर पूरा होगा। समाज के कई मंत्री नेता उत्तर प्रदेश में होते हैं लेकिन समाज को सहयोग नहीं करते रहते हैं, ऐसी पीड़ा समाज के निचले तबके के लोगों को रहती है? समाज से बढ़कर कोई नहीं है, यह मैं सारे लोगों को कहना चाहता हूं कि समाज से बड़ा कोई नहीं है। जो समाज आपको बड़े तक ले जा सकता है वह नीचे भी गिरा सकता है।
तो हमारे कहने का मतलब है कहीं ना कहीं चाहे संगठन सारी संगठने हो चाहे पार्टी के लोग हो सारे लोग सब अपने अपने स्तर से अच्छा काम करें, लेकिन जो जमीनी स्तर पे धरातल पे जो होना चाहिए था महाराष्ट्र में वह चीज़ नहीं हुआ। और अपने अपने जगह से चाहे वह पार्टी हो नेता हो सारे संगठन हो सब लोग अपने अपने जगह पर अच्छा काम कर रहे हैं राजभरों को संगठित करने का एकत्रित करने का और उनके मान सम्मान के लिए हमेशा अग्रसर रहते हैं। लेकिन मैं यही विनती करूँगा कि अब समय आ गया है आप लोग एकजुट होकर बिना मतभेद टीका टिकड़ी के हुए इस भवन को बनाने में अपनी सहायता दे। रामदुलार जी आज आप यहाँ पे जो सहयोग किए थे दो गुंठा जमीन दिए थे हाँ? समाज ने और सहयोग करके यहाँ पांच गुंठे पर यहाँ पे राजभर भवन बनाने का काम शुरू कर दिया जी। 2001 से मैं सपना सुन रहा था, मैं चंदा भी दिया लोगों को मरातला कोई करके दिखाया नहीं मुझे, मुझे हौसला था 2001 से कि हमारे बिरादरी का हमारे समाज का एक मंदिर या कुछ भी संस्था बने, कहीं कुछ हुआ नहीं। देते देते जब मैं थक गया मैं सोचा कि चलो मेरे पास से है मैं ही खुद बनाता हूँ। मैं लोगों को बुलाया, हमने सबको जुटाया, सब लोग आए हमारे पास, हमको बात की, हम बोला चलो ठीक है तो हमने उसका व्यवस्था किया गया। फिर अब मुझे इसी बहुत खुशी है कि हमारा समाज जो है आगे उन्नति करे और करते रहे हमेशा के लिए, हम समाज के साथ हैं। राजनीति से कुछ लेना देना नहीं है, यहाँ एक संस्था के हिसाब से है, सामाजिक कार्यकर्ता के सब मिलकर सब लोग अपना काम करें, इसमें कुछ ही राजनीति से कुछ ही दल से कुछ लेना देना नहीं किसी का। समाज को क्या संदेश देंगे ताकि सब एकजुट होकर सहयोग करें? और समाज को हम यही सहयोग बता सकते हैं कि मतलब जैसे मैं कर रहा हूँ सारे लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, जैसा बोले वैसा होते रहेगा। जिस प्रीतम जी क्या कहना चाहेंगे आज के मौके पर? आज के मौके पर इतना ही बोलना चाहूँगा कि ये पूरे समाज का राजभर समाज का बहुत बहुत सालों से सपना रहा कि मतलब राजभर भवन मतलब कुछ ऐसा होना चाहिए इतिहास में, जैसे हमारे पुरखे पुरनिया लोग जिस तरह से कोट और किला बना करके गए हैं, जब हम लोग उनके श्रावस्ती में जाते हैं जितने भी कोट किला हैं समाज में जब हम वहाँ पहुँचते हैं तो वो देख करके हम लोग के अंदर एक इच्छा जागृत होती है कि हम लोग भी समाज में कुछ ऐसा काम करें। तो वो देख करके हम लोग के मन में था कि कुछ होना चाहिए, और अब जा करके राम दुलारी भाई मिले, उन्होंने हम लोग का हौसला अफजाई किया कि उन्होंने दो गुंठा ज़मीन हम लोग को मुफ्त में दिया कि ये समाज के लिए आप लोग अगर आगे बढ़ करके काम कर रहे हैं तो मैं इतना डोनेट कर रहा हूँ। तो उसके बाद में हम लोगों ने आपस में बैठ करके एक मीटिंग किया कि इस दो गुंठे ज़मीन में और हम लोग तीन गुंठा ज़मीन जो यहाँ पर रेट चल रहा है उसके हिसाब से मिल करके लिया जाए और इस राजभर भवन को कम्प्लीट करें कैसे भी। तो मैं बोलना चाहता हूँ समाज के लोगों से कि आप कोई भी पार्टी में जुड़े रहो, कोई भी संगठन से जुड़े रहो, उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर सभी राजभर लोग इकट्ठा होकर के एक साथ में अपना मतभेद जो भी मतभेद है उसको भुला करके यहाँ पर इकट्ठा होकर के आप लोग एक कंधे से कंधा मिला करके ये एक मिशन है, उस मिशन को कम्प्लीट करने के लिए आप लोग हमारा सहयोग करें। यही कहना चाहूँगा पूरे देश दुनिया में फैले हुए राजभर से कि एक काम एक जीतू भाई और यहाँ के युवाओं की टीम नहीं है का काम नहीं है, पूरे देश में जितने राजभर समाज के लोग हैं मैं उनसे आह्वान करना चाहता हूँ कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, आप सब लोग मिलके तन मन धन से सहयोग करिए, जिससे जो बन पाए करिए। ये भवन ही नहीं राजभर समाज का एक धरोहर बनने जा रहा है और आने वाली पीढ़ी यहाँ से सीखेगी और कुछ और अच्छा करेगी। और हम तो चाहते हैं कि महाराष्ट्र ही नहीं इंडिया के हर स्टेट में राजभर भवन होना चाहिए, और मैं जीतू भरद्वाज जी से पूरी टीम से भी एक अनुग्रह किया हूँ कि ये सर्वधर्म के लिए होना चाहिए, सर्वधर्म के गरीब समाज के लोगों के लिए, जो भी उनका शादी हो या उनके ठहरने खाने के लिए फ्री व्यवस्था इस भवन के माध्यम से किया जाएगा, सभी समाज के लिए किया जाएगा। जिस प्रकार से राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी ने पूरे देश के लिए एकता अखंडता और संस्कृति की रक्षा के लिए लड़ाई लड़े, तो हम उनके वंशज हैं, पूरे देश के लिए एक एकता का एक अच्छा संदेश देने के लिए इस भवन से हम लोग यहाँ से वो संदेश पूरे देश में पहुँचाना चाहेंगे। बहुत खुशी की बात है कि आज पूरा समाज जाग चुका है, हम लोग महाराष्ट्र में आते हैं कुछ रोजी रोजगार के लिए, लेकिन जो उत्तर प्रदेश से जो लोग आते हैं गरीब यहाँ पर इलाज कराने के लिए उनको रहने के लिए सुविधा नहीं होती है, वो आते हैं तो फुटपाथ पे सोते हैं या किसी के पास जाके 10 दिन 5 दिन 10 दिन 15 दिन रहते हैं, लेकिन उनका इलाज सही ढंग से नहीं हो पाता न रहने के कारण, सुविधा न रहने के कारण। तो मैं इसी राजभर समाज से मैं निवेदन करता हूँ कि राजभर भवन जो बनने जा रहा है आप लोग सहयोग कीजिए। आज राजभर महाराष्ट्र या मुंबई में लेकर 1 लाख राजभर रहते हैं, अगर 100 रुपया देंगे तो 100 लाख की आमदनी यहाँ पर होती है, राजभर भवन बन जाएगा। लेकिन जो उत्तर प्रदेश से जो लोग आते हैं पूर्वांचल से गरीब इलाज कराने के लिए उनको रहने के लिए यहाँ पर ही
व्यवस्था की जाएगी। मैं इसी से पूरी देश में राजभर से निवेदन करता हूं कि लोग आप लोग राजभर भवन निर्माण के लिए आगे आइए और साथ चलकर इनके निर्माण के आगे साथ बढ़ाइए। जय सुवलदेव, जय महाराष्ट्र। मैं यही कहना चाहता हूं कि देखिए, हम लोग पूर्वांचल साइड से जब हम लोग आते हैं तो हम लोगों के लिए सबसे बड़ी चीज़ रोजी रोटी। रोजी रोटी जो हम मुंबई में आते हैं तो रहने का व्यवस्था नहीं रहता है, किसी दोस्त के पास किसी फुटपाथ पे कहीं भी हम रह करके गुजार लेते हैं। लेकिन जो ये राजभवन का निर्माण होने जा रहा है, आने वाली जो हमारी नस्लें हैं, जो पीढ़ी है, वो याद करेगी कि नहीं, हमारे लिए अभी भी कोई भी व्यवस्था है। जैसे कि आप देखते हैं कि कोई घर में किसी प्रकार का अगर झगड़ा कुछ भी होता है, गाँव से भाग करके मुंबई में आते हैं, लेकिन उनके रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं रहता है। उस व्यवस्था का जो ये प्रबंध हो रहा है, आने वाली जो नस्लें वो याद करेंगी कि नहीं, हमारे पास वहाँ जाने के लिए हमारे पास सारी व्यवस्थाएं, सारी सब कुछ व्यवस्थाएं है। मैं इसके साथ में दो लाइन बस कविताओं के साथ मैं विराम देना चाहता हूँ। मैं यही कहना चाहता हूँ कि द्वंद्व कब तक पाला जाए, मैं यही बोलना चाहता हूँ दो लाइन कविताओं के साथ। द्वंद्व कब तक पाला जाए, युद्ध कब तक टाला जाए, तू भी है राजभर सुहलदेव का वंशज, फेंक जहाँ तक भाला जाए। सबसे पहले तो मैं राजभर हेल्पलाइन को, यहाँ के जितने पदाधिकारी हैं, जितने सदस्य कार्यकर्ता हैं, उनको मैं धन्यवाद देता चाहता हूँ और दुलारी जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ राजभर समाज के तरफ से, कि ये स्थिति में जो यहाँ महाराष्ट्र क्या पूरा भारत में जो लॉकडाउन चला, इसमें लोग खुद हर लोग परेशान थे, जो इस समय जो अपना राजभर भवन बनने जा रहा है, जो उन्होंने योगदान दिया, जो लोग उनके साथ खड़े हैं, जो राजभर समाज के साथ लोग खड़े हैं, एक भवन बस हमको ये करना है कि दो साल में खड़ा करना हर लोगों को मिलकर, क्योंकि एस जी जीतू जी, दुलारे जी, राम जी, बबलू जी का भवन नहीं है, ये सब राजभर समाज का भवन है। बदनामी होगी तो पूरे राजभर समाज की होगी। जिस चीज़ पे हम लोगों ने ठान लिया उसको पूरा करना है। राष्ट्रीय राजभर सेवा रंग, चाहे कोई भी संस्था रहे, चाहे कोई भी पार्टी रहे, हम किसी से लेना देना नहीं है। हमको सिर्फ राजभर हेल्पलाइन के माध्यम से इस भवन का निर्माण करना है। जिस तरह राम मंदिर अगर एक एक ईंट देकर एक एक आदमी खड़ा कर सकता है, इस तरह राजभर समाज भी एक एक ईंट देकर राजभर भवन बना सकता है। आज मैं बस एक चीज़ कहना चाहूँगी, राजभर भवन जो कि राजभर समाज के काफ़ी सदस्य जो समाज के लोग हैं, उनका बहुत सपना बहुत पहले से रहा गया है कि राजभर भवन बने, और ये आज हमारे जितने भी संस्था के लोग हैं इनके ज़रिए से राजभर भवन बनने जा रहा है। और दूसरी बात है कि राजभर समाज हमारे एक पिछड़ा वर्ग हो गया है जो कि, और ये एक बहुत दिक्कत वाली बात हो गई है समाज में। हम देखते हैं ना कि काफ़ी समाज आगे निकल चुकी है, बट राजभर समाज वही के वही पीछे के पीछे है। जबकि ये इतिहास कहता है कि राजभर समाज बाकी असल में काफ़ी ऊंचे लेवल पे हैं, जो कि हमारे महाराजा सुहेलदेव के वंशज हम सब हैं। तो भी हम वंशज कहलाने के बाद भी हम पिछड़े वर्ग में आ जाते हैं। तो वो क्यों आते हैं? वो इसलिए कि हमारे जो समाज के लोग हैं उनकी मानसिक स्थिति है जो कि बहुत ही वो नीचे लेवल पर रखते हैं। वो आगे उठने के लिए देखते ही नहीं है। अगर कोई इंसान आज आगे, एक आदमी, एक परिवार अगर काफ़ी आगे अच्छे लेवल पर हैं, तो वो पीछे के लेवल जो अपने समाज के हैं, जो गरीब है, उनको साथ में लेकर वो चलना नहीं चाहेगा। लेकिन मेरा कहना है कि गरीबी होना ये एक क्या अभिशाप है कि समाज के लिए? गरीब इंसान है तो फिर हम सबको उनकी मदद करना चाहिए समाज। तो आज अगर मैं किसी गरीब के, हम सब मिलके करेंगे तो वो आगे जाएगा, सही मायने में शिक्षा के लेवल में वो आगे जाएगा, पढ़ लिख कर आगे बढ़ेगा, वो कुछ अपना योगदान आगे चल के देगा हमें समाज में, फिर वो और 10 लोगों को लेकर चलेगा। तो मेरा समाज के सभी लोगों से यही चीज़ कहना है कि आप लोग पहले मानसिक स्थिति अपनी चेंज कीजिए। जो बहू और बेटियाँ हैं, जो पढ़ी लिखी है, फिर भी एक मैं कहना चाहूँगी समाज के जो अपने आदमी लोग हैं उनकी भी एक मानसिक चीज़ ये है कि नहीं, बहू बेटी पढ़ी लिखे तो वो आगे नहीं जाएगी। तो मेरा कहना है कि अगर वो आज के दौर पे कहा जाए कि बेटियां ही आगे अव्वल आती है, पहले नंबर पे आती है, तो मेरा कहना है कि अब ये समय आ चुका है समाज में हम सभी लोगों को मिलके, जिन लोग जो ज़रूरतमंद हैं उनकी हम मदद करें, तो सही मायने में समाज आगे बढ़ेगा। जो हमारी बहू और बेटियां हैं वो बाहर निकली है, अब वो भी अपना योगदान दीजिए समाज के लिए। मैं ज़्यादा से ज़्यादा तो नहीं कहूँगी, लेकिन आप 24 घंटे में से एक घंटा तो समाज के लिए दे ही सकते हो, तो आप अपना समाज के लिए समय दीजिएगा ताकि समाज हम सब आगे चले, मिलके चले, और भी समाज से लोगों के सामने उठ के चले, ताकि राजभर समाज को आज दुनिया में बहुत सारे लोग जाने भी कि हाँ, राजभर समाज होता भी है। थोड़ा सा सबसे पहले मैं राजभर हेल्पलाइन के सभी पदाधिकारियों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ, और राम दुलारे भाई
जो आज तक हम लोग लगभग 30 साल से, मैं अपनी बात करूं तो 30 साल से लगातार हम लोग संगठन से जुड़े रहे, राजभर समाज के सभी बड़े बुजुर्ग जितने हैं सबसे संपर्क में रहे, और राजभर भवन की बातें हमेशा होती रही, और उस बात को लेकर के काफ़ी चर्चा हुई, चंदे भी इकट्ठा किए गए, लेकिन जो स्थिति थी वैसे ही आज भी बरकरार रही। आज जो है अगर राम दुलारे भाई और राजभर हेल्पलाइन के तरफ से ये न्यू रखी गई तो सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र ही नहीं पूरे देश में मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ कि पूरे देश के लोग इनकी मुबारकबाद के पात्र हैं ये लोग, और इनका स्वागत होना चाहिए। और जो रह गई बात भवन निर्माण की, पूरे देश में नहीं मैं बोलता हूँ महाराष्ट्र के एक कोने से ही अगर राजभर समाज दिल से ठान ले कि नहीं ये भवन हमारा बनेगा तो 101% बनेगा, कोई रोक नहीं सकता है। दूसरी बात, बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं आज बहुत बड़ा तमाचा उनके मुंह पे लगा है कि आज एक छोटी संस्था आज उभरी है और इन्होंने एक न्यू डाला राजभर समाज के लिए। राम दुलारे भाई अभी बहुत पहले नहीं आए बेचारे, अगर इनका छोटेपन में मैं बोलता हूँ इतना बड़ा अगर दिल किए तो बहुत सराहनीय कार्य इन्होंने किया है। राजभर समाज बनेगा और भव्य बनेगा, लोगों के लिए एक नज़ीर होगी कि नहीं कम से कम एक छोटी से संस्था इस चीज़ को लेकर आई है। मैं सबको बहुत बहुत दिल से मुबारकबाद देता हूँ। महाराष्ट्र में सबसे बड़ा यह कार्य होने जा रहा है, इस कार्य का बहुत बड़ा सराहनीय है कि जो राजभर लोग इकट्ठा हुए हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि राम दुलेरे भाई जो यह जगह इन्होंने दिया और जीतू भाई ने संपर्क करके सारे संस्था को बताया कि ऐसा ऐसा निर्माण हो रहा है और इस निर्माण के लिए सब लोग राजभर भवन तैयार किया जा रहा है, उसमें सब लोग इकट्ठा हों, इसी के लिए यहाँ पे सब लोग राजभर इकट्ठा हुए और तमाम लोग, यह खुशी की बात है कि चाहे हिंदुस्तान में कहीं के राजभर हो, कहीं से हो या गरीब हो, कैसा भी महाराष्ट्र में जीवन यापन करने के लिए आता है, यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि मतलब यहाँ पे आने पर कोई किसी को मतलब समझता नहीं है, पूछता नहीं है, जांचता नहीं है, इसलिए इन्होंने कदम उठाया, इस कदम को बहुत अभिनंदन है। जय सुहेलदेव, मैं सबसे पहले तो अपने जितने भाई चाचा बुजुर्ग लोग हैं उनसे मिलकर के बड़ी खुशी हुई, और सबसे मिलजुल करके जीतू भैया और जितने समाज के हमारे लोग हैं यहाँ पे, बड़ी खुशी की बात है। मैं तो चाहता हूँ कि राजभर भवन आज नायगांव में बना है, कल कल्याण में बने, ऐसी ऐसी एक संस्था राजभर का हर जगह होके महाराष्ट्र के अंदर हर जगह होके, और एक दूसरे के कंधे पे कंधे रखकर हाथ रखकर के सब लोग चलिए। सुहेल देव की वीरताई पर होता है अभिमान, जिसने सारी हिंदू जाति की रखी थी लज्जा वो मान। जहरे कातिल की तासीर बदल सकती है, कातबे खास की तावीर बदल सकती है, राजभर संगठन होकर चल पड़े, हकीकत है दुनिया की तकदीर बदल सकती है। मित्रों, मैं कविता के माध्यम से राजभर हेल्पलाइन के तमाम पदाधिकारीगण, तमाम उत्कृष्ट प्रवृत्ति के नेतागण, कार्यकर्ता, मैं सबको हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और नए वर्ष के शुभकामनाएँ व बधाइयाँ भी देता हूँ। ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो राजभर समाज एक उत्कृष्ट जाति से आती है, ये लड़ाकू जाति की मानी जाती है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, चाहे अयोध्या का गजेटियर मीन्स मतलब सरकारी दस्तावेज, चाहे बहराइच का हो, चाहे लखनऊ का हो, चाहे बनारस का हो, कोई भी गजेटियर उठा कर देखा जाए तो राजभरों को लड़ाकू जाति, राजाओं, राजा वंश का माना जाता है। हम राजपूत वंश के माने जाते हैं। राजपूत का मतलब होता है राजा का पुत्र,
हम नहीं बोले हैं डॉक्टर एम ए सेरिन इतिहासकार हैं, डॉक्टर स्मिथ ये सब ब्रिटेन के लेखक हैं, जितने लेखक हैं। लोग कहते थे कि ये क्षत्रिय ब्राह्मण ने छोटी जाति का दमन किया है। मैं तो दावे के साथ कहता हूँ, आप इतिहास खंगालोगे, इतिहासकारों के लेख पढ़ेंगे तो इसमें ज़्यादा 57-58 तो सवर्ण के लोग लेखक हैं। सब लोग लिखे हैं कि राजपुत्र हैं, राजपूत हैं। हम उस भारतीय नागवंशी क्षत्रिय हैं जिसे किसी को गुरेज नहीं करना चाहिए। हम लिख सकते हैं कि सिंह राजभर, मैं मोती चंद सिंह राजभर, अखिल भारतीय राजभर महासभा, जिला पूर्व मंत्री गाजीपुर। मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूं, इसमें किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। लंबा भाषण मैं देना नहीं चाहता हूं, इसी के साथ अपनी वाणी पर विराम लगाता हूं। सर्वप्रथम तो मैं ये कहूंगा कि जय सुहेलदेव, और बहुत ही बधाई के पात्र है वो व्यक्ति हैं जो इस प्लॉट को हमारे समाज के लिए डोनेट किए, और उनके साथ में हम सारे समाज के लोग एकत्रित हुए, न किसी पार्टी से, ना ही कोई संस्था से, मात्र एक राजभर समाज के उद्देश्य से। तो मैं यही चाहूँगा कि जितने भी पार्टियाँ लेवल की हैं, उन्होंने सिर्फ जाति को हमारे बांट के रखा हुआ है। आज इस मंच से और इस जगह से हमें ये संदेश मिला है कि हमको फिर से एक जगह एकत्रित होने का मौका मिला है, ना कि कोई पार्टी से नहीं। हम हर एक पार्टी में रहे, हर जगह रहें, लेकिन जब हमारे समाज की बात आवे, कुछ की बात आवे, तो हम सर्वप्रथम अपने समाज के साथ हैं, वो पार्टी लेवल अपनी जगह पे हैं। हम कितना दिन से 15 बरस बिरादरी का अध्यक्ष रह चुका हूँ, लेकिन पहले का अध्यक्ष सब लुटेरे हैं। आज तक जो हमारे राम दुलार भाई साथ दिए हैं उनका धन्यवाद करता हूँ, और जो सहयोगी यहाँ सबको मिला के खड़ा कर रहे हैं उनको साथ में सब लोग मिल के कंधे से कंधे मिला के साथ दो आप लोग। और आज भवन का काम चालू हुआ है, इस जितना टाइम बोला गया उतने टाइम में हम लोग को करना है, कैसा भी करना है। हाँ, और सुहेलदेव तो हमारे राजा ही हैं, उनको बार बार नमन करता हूँ, और जो हमारे भाई सहयोग दिए हैं साथ में उनको भी नमन करता हूँ कि ऐसे ही मिला के चार भाई को चलो आप लोग। नववर्ष का हार्दिक अभिनंदन वंदन करते हुए हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूँ। और आज राजभर भवन का निर्माण होने जा रहा है, जो प्रथम सहयोगी भाई राम दुलार राजभर का मैं कोट नमन करते हुए। रंजीत कीड़ी साहब हैं यहाँ के, बहुत ही पूरे क्षेत्र में इनका अच्छा खासा वर्चस्व है, और यहाँ के रहने वाले मेन हैं, और इनके वजह से समझ लीजिए कि इनके साथ सहयोग से और दुलारे भाई के साथ सहयोग से हम लोग आज राजभर का निर्माण कर रहे हैं। और भाई से मैं आशीर्वाद चाहता हूँ कि आगे जो भी साथ सहयोग रहे आपका हमेशा आशीर्वाद बना रहे, बस यही बोल के इनको धन्यवाद और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा जितने भारद्वाज जी को, राम दुलारे जी को मैं चाहूँगा, इनके लिए जोरदार ताली बजाना चाहिए। और एक गीत संगीत के माध्यम से मैं एक लाइन खाली बोलूँगा, ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा, क्योंकि बहुत दूर दूर से लोग आए हैं, कुछ सुनना उनको भी है, और मैं कहना चाहूँगा कि जवन कैला तू भैया आई, अरे जवन कैला तू भैया आई, और देला सबही के यही जा जुटाई, जवन कैला तू भैया आई, देला सबही के यही जा जुटाई, अरे पीछे न हटी, अरे अब तनी डाटी, मनवा गइल हर साही, हाय बातिया सुनी सबे भाई, हाय भवानामा दी बन भाई, हाय बातिया सुनी सबे भाई, हाय भवानामा दी बन भाई। जय हिंद जय भारत।